नमस्कार, आप देख रहे हैं जनज्वार। यह ब्लर की हुई काली काली परछाई जो आप देख रहे हैं वह दिखने में इतना डरावना और खौफनाक है कि हम उसे दिखा नहीं पा रहे। ऐसे में सोचिए, जिस लड़की के साथ यह वाकया हुआ होगा उसके साथ क्या गुजरी होगी। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में बलात्कार के बाद जलाकर मार दी गई डॉक्टर लड़की का मामला अभी आप भूले नहीं कि फिर एक दूसरी वारदात बिहार से सामने आई है। सब कुछ लगभग उसी तरह का है, पहले बलात्कार किया गया फिर लड़की की जलाकर हत्या कर दी गई। जहाँ तक सामाजिक परिदृश्य है उसके अनुसार कि मैं स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि ये जो है निश्चित रूप से इस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। क्या ये हैदराबाद और ये हैदराबाद की पुनरावृत्ति ही मानी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक अब तक इस लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लड़की की जली हुई लाश बिहार के बक्सर जिले में मिली है और जिस तस्वीर को हम दिखा नहीं पा रहे, आप सोचिए उसको अंजाम देने वालों का दिल और दिमाग कितना जहरीला, हिंसक और अमानवीय रहा होगा। यह वो लोग तो कतई नहीं होंगे जो अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कह रहे थे कि कश्मीर से लड़कियां उठा लाएंगे, क्योंकि 3 महीने पहले इस बात को कहने वाले देशभक्त कहे गए दरिंदे और बलात्कारी नहीं। तो हो सकता है इस अपराध को करने वाले भी देशभक्त रहे हों, उन्होंने जगह बदल दिया हो, कश्मीर की जगह उन्हें उठाने का मौका आसानी से बक्सर में मिल गया हो। टाड़ी थाना अंतर्गत एक कुकड़ा एरिया है, वहाँ पे एक रिमोट एरिया में जो कि खेत है वहाँ पे एक युवती का अधजली हालत में शव मिला है। तो पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और केस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शव की शिनाख्त हेतु भी प्रयास किया जा रहा है और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किस वजह से ये घटना घटी है। सर, के पास से गोली भी बरामद है सर। एक खोखा बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टि जो लग रहा है कि किसी ने गोली मारी है और उसके बाद उसको सब को जलाने की कोशिश की है। ये रोज की कहानियां हैं, आज आप देख रहे हैं कल नहीं देख पाएंगे। हर बार मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करती क्योंकि हर बार इससे उसकी टीआरपी नहीं बढ़ती, पर आपके गली मोहल्लों चौराहों शहरों और राज्यों का सच यही है कि हर रोज कोई न कोई कहीं न कहीं ऐसी ही हृदयहीनता और वहशीपन का शिकार होता है। आप अफसोस में आह भरते हैं, सरकार को कोसते हैं और कभी कभी मोमबत्ती जला लेते हैं। ये धरना प्रदर्शन कब से हो रहा है? निर्भया टाइम से हो रहा है? आपका कुछ हुआ है? पहले से हो रहा है। सरकार पे, हम लोग सरकार पे कंट्रोल नहीं करते, हम लोग अपना जाति दम चुन लेते हैं। मुस्लिम ओवैसी के साथ, हिंदू इसके साथ, राहुल गांधी आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, आई सपोर्ट राहुल गांधी, क्यों होता है? ये जो चौकीदार थे, जो चुनाव में चौकीदार बने थे 2019 के चुनाव में, मैं भी चौकीदार। कहाँ के चौकीदार? गांवों के चौकीदार। सरकारों से सवाल निकलेंगे तब सारी चीजें सरकार की हैं। सरकार से जब तक सवाल निकलता तो नहीं होगा कुछ। सरकार चाहती रेप हो, सरकार चाहती बलात्कार हो, सरकार नहीं चाहती रुके, क्योंकि ताकि लोग उलझे रहे जाति धर्म में। यहाँ जब ये 10 दिन के बाद प्रोटेस्ट खत्म होगा, सब लोग जाति धर्म खेलेंगे, मुस्लिम मुस्लिम के साथ, हिंदू हिंदू के साथ, आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी धर्म खेलेंगे। जब चुनाव होगा लोग मुस्लिम मुस्लिम के साथ जाएगा, हिंदू हिंदू के साथ जाएगा। ये राजनीति होगी, आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, आई सपोर्ट प्रियंका रेड्डी, कोई नहीं करेगा। इस व्यवस्था ने हमें यहाँ लाकर छोड़ दिया है कि सब कुछ होते हुए देखना हमारी मजबूरी है, सबको सहते हुए ये आखिरी वाक्य बोल लेना हमारा स्ट्रोक वाक्य है कि आखिर आम आदमी कर ही क्या सकता है। आप इस लड़की की जली हुई लाश देखकर भी यही कहेंगे, भूख से मर रहे किसान के बारे में भी यही कहेंगे, कोई विधवा भूख से मर जाए, बच्चे कुपोषण से मर जाएं, तब भी आप यही कहेंगे कि आखिर हम कर क्या सकते हैं, आम आदमी कर क्या सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार कुछ कर नहीं सकती, पुलिस रोक लगा नहीं सकती, न्याय समय पर मिल नहीं सकता, सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोई सुनता नहीं, मानव अधिकार इस देश में कोई अधिकार नहीं, और आप हम जो आम आदमी हैं उनके बस का कुछ बचा नहीं, फिर अफसोस किस बात का? तमाशा देखिए और अपनी बारी न आए इसके लिए किसी धार्मिक कर्मकांडी की जगह जाइए, भभूत लाइए और अपनी बेटियों के माथे पर मल लीजिए, शायद आपका खुदा भगवान बचा ले। सरकार जो कर पा रही है उसका नतीजा तो यह जली हुई लाश है जिसके पाँव में एक जूती है, और वह जूती ही लोकतंत्र है, सब कुछ खत्म होने के बावजूद जिस पर आप गर्व कर सकें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में।